बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई डू सॉल्वली स्वेयर That I will bear true faith and allegiance to Pakistan, and that as Federal Minister, I will discharge my duties, and perform my functions, to the best of my ability, faithfully in accordance with. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan and prosperity of Pakistan. That I will serve to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances, I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will, and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person, which shall be brought under my notice, or shall become known to me as Federal Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Federal Minister, or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Thank you. दारी की तकरीब काबीना ने हल्फ उठा लिया है। विफाकी काबीना की हल्फ बरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी ने अरकान से हल्फ लिया। 13 अरकीन कौमी असम्बली और 2 अरकान सैनेट शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ अहसन इकबाल, अता तारड़, आजम नजीर तारड़, राना तनवीर हुसैन, अमीर मुकाम, जाम कमाल, अवैस लगारी, कैसर शेख और रियाज पीरजादा ने हल्फ उठा लिया है। इत्तेहादी जमातों के अरकान में अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और सालिक हुसैन काबीना का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना की तकर्री के लिए नाम सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का आज पहला इजलास भी तलब किया है। बतौर सेनेटर आज मोहसिन नकवी भी अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं और इस तरह से विफाकी काबीना ने आज हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में यह तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें 2 अरकान सेनेट ने भी हल्फ उठाया है। इस वक्त ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बरदारी मुनक्किद की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने विफाकी काबीना से हलफ लिया है और विफाकी काबीना की समरी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भेजी गई थी और इस समरी के अंदर मुतअद्दिद नाम शामिल थे और इसमें कुछ अहम नाम भी शामिल नहीं दिखाई दिए, जो कि काफी इसमें चिमगोइयां जारी थी कि ये नाम जरूर शामिल होंगे मगर वो उस समरी के अंदर शामिल नहीं थे। कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का नाम भी विफाकी काबीना में शामिल है, जबकि रहनुमा नून लीग अमीर मकाम सरदार उवैस अहमद लगारी, ततारड़, कैसर अहमद शेख और मियां रियाज हुसैन पीरजादा का नाम भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर को जो समरी भेजी है इसमें आचिमा मोहम्मद औरंगजेब, इसाकदार, मुसद्दिक मलिक और मोहसिन नकवी का नाम भी विफाकी काबीना में शामिल करने की दरख्वास्त की गई थी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिजा फातिमा को वज़ीर मुमलिकत बनाने की समरी भी सदर पाकिस्तान को इरसाल की थी।
बिल्कुल, आपको चंद लम्हे पहले हमने जो मनाजिर दिखाए, आपने लाइव ये मनाजिर